वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अमन बांसल, दी फैकल्टी ऑफ IBS, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ IBS टीचिंग यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम आपके लिए एक करियर अपॉर्चुनिटी डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑलरेडी UGC के काफ़ी बैचेज ऑलरेडी हमने पिछले 12 सालों के अंदर काफ़ी बैचेज को पास आउट किया है। टीचिंग डिपार्टमेंट के अंदर मोर देन 5000 सिलेक्शन IBS ने दिया है, तो उसमें से बहुत सारे चीज़ों को जो हमने रिव्यू किया लास्ट वीक के अंदर, जैसे बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को लगता है कि हम सिर्फ टीचिंग या रिसर्च में ही जा सकते हैं। और इसी के साथ बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम का कई बार इन्फॉर्मेशन नहीं होता कि कैसे कैसे हम चीज़ों को ले सकते हैं, कैसे कैसे हम स्टडी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप सबको ये चीज़ें बताऊँगा कि UGC आपके लिए करियर स्कोप कैसे बन सकता है और कैसे आप अलग अलग गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर विद द UGC नेट क्लियरेंस आप जा सकते हैं, और उसी के साथ कैसे आप आगे अपने करियर को बढ़ा सकते हैं, और साथ ही साथ कैसे टिप्स के साथ आप इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करेंगे। UGC नेट एग्ज़ाम इज कंडक्टेड फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर और द JRF। आप सबको अगर नहीं मालूम तो डेफिनेटली सब उसी के लिए डेफिनेटली सारी चीज़ों को व्यू कर रहे हैं। एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर आपका वो क्लियर नहीं हुआ ऑप्शन, ठीक है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप जा सकते हैं, ठीक है। या फिर जो रिक्रूट करेंगे वो किस ऑप्शन के लिए रिक्रूट करेंगे, दोनों के लिए। JRF भी आपको मिलेगा और उसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर की ऑप्शन भी आपके पास होगी। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आप एक ही ऑप्शन पे जा सकते हैं। बट मैनी कैंडिडेट हैव द मिसकंसेप्शन, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया आपको, कि UGC नेट सिर्फ लेक्चरर बनने के लिए या सिर्फ रिसर्च प्रोफेशन के लिए हो सकता है। दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल, बट दैट्स नॉट ट्रू। देर आर मैनी करियर ऑप्शन दैट यू कैन गो फॉर आफ्टर क्वालिफाइंग द UGC नेट एग्जाम। करियर ऑप्शन क्या होंगी, डिसेंट सैलरी होगी, रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। सबसे पहले तो यही सोचना चाहिए कि जब आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो आपके सामने डेस्टिनी है, ठीक है, जिस जो गोल आपने सामने रखा हुआ है, वो गोल है कि बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी आपको और एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, डिफरेंट फ्रॉम दी, ये तो है ही है असिस्टेंट प्रोफेसर का, लेक्चरशिप का, कि रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। लेकिन उसके बाद भी देर आर मैनी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन विच एक्सेप्ट द UGC नेट स्कोर कार्ड। हेयर आर दी लिस्ट ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे पर्सन बीटेक करके या इन ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं या थ्रू गेट जाते हैं, या अलग अलग इनकी रिक्रूटमेंट पॉलिसीज आती हैं, तो उसमें लॉग इन करके फिर डिफरेंट तरीके से इसका एग्ज़ाम देते हैं। इसमें अलग अलग ऑप्शंस होंगे, कैसे, आपने जैसे MBA किया है और उसमें आप एज ए मार्केटिंग ऑफिसर जा सकते हैं, फाइनेंस ऑफिसर जा सकते हैं, ठीक है, एज ए प्रोजेक्ट हेड वहाँ पर जा सकते हैं। बहुत सारी एन नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं जो कि आपने अपनी MBA के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, अब जैसे यहाँ पे एक है चंडीगढ़ के अंदर, मैं ये आपको बता रहा हूँ, जैसे OFC, ठीक है, ऑर्डिनेंस केबल फैक्ट्री, ठीक है, ऑर्डिनेंस फाइबर, जो हमारा DRDO का डिपार्टमेंट है OFC, ठीक है, 29 के अंदर, तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनका PhD हिंदी के अंदर है, लेकिन फिर भी वो OFC के अंदर, DRDO, किसी ना किसी डिपार्टमेंट के अंदर एज ए ऑफिसर या बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो ऑफिसर वहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं। PhD उनका हिंदी में है, लेकिन वो OFC के अंदर, या ये कह सकते हो DRDO के अंदर। तो आप सोचोगे सर वो तो सिर्फ रिसर्च और डिफेंस की ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें तो हिंदी का क्या काम, दिस इज ऑल, ठीक है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अंदर आप जा सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी ऑप्शन होंगी आपके पास MCOM की, MBA के बाद, जो डिफरेंट आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है। अब ठीक है, जैसे मैंने आपको हिंदी का एग्जांपल दिया, वहाँ पर जैसे बहुत सारे पखवाड़ा होते हैं, ठीक है, अगर आपने और भी सर्च करना तो उसको आप देख सकते हैं, हर ईयर होता है, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को कंडक्ट करना होता है, जैसे राष्ट्रभाषा के लिए है, या बहुत सारी चीज़ें और इवेंट्स को मैनेज करना है, तो आफ्टर डूइंग, ठीक है, ये करने के बाद किसने सोचा होगा कि वो DRDO के अंदर या OFC के अंदर जाके एज ए वहाँ पर ऑफिसर वहाँ पे बनेगा आफ्टर द PhD। तो एग्ज़ाम दिया और वो क्लियर हुआ, दैट्स ऑल। लेकिन UGC नेट का स्कोर कार्ड वहाँ पे आपका एक्सेप्ट होगा। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड्स, अब कई बार क्या होता है, बीटेक आपने किया होता है, चाहे वो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में किया, सिविल, व्हाटएवर, ठीक है, उसके बाद आपको गेट करना होता है, ठीक है,
फिर आपको एमटेक में एडमिशन, फिर उसके बाद करते करते आप आगे जाके परस्यू करते हो पीएचडी, नहीं तो फिर क्या है बीटेक दिया अगर आपका गेट स्कोर अच्छा नहीं है, फिर आप एमटेक प्रिपेयर करते 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 फिर आप यूजीसी देते हैं, ठीक है, यूजीसी के बाद फिर आप अपना पीएचडी परस्यू कर दे रहे हैं, एन नंबर ऑफ वेज फॉर द एडमिशन। लेकिन आप भारत हैवी इलेक्ट्रिकल के अंदर भी अगर वहाँ पर ड्यूरिंग बीटेक या गेट थ्रू नहीं जा पाए आप, तो आप क्या कर सकते हैं यूजीसी एग्जाम क्वालिफाई करने के साथ जा सकते हैं, ठीक है जी। अगेन विद द एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वहाँ पर भी इसी ऑप्शन के साथ यूजीसी नेट स्कोर कार्ड के साथ पावर ग्रिड के अंदर, नेवल मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी के अंदर, बरनाथ के अंदर है, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए रिसर्च लेबोरेटरी है, अब जिनका हो सकता है इंटरेस्ट ना हो रिसर्च में, बहुत और सारी चीज़ें होंगी जो करनी होंगी, लेकिन आपको तो नहीं पता अभी फिलहाल कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए आपको एलिजिबल करवाया जाएगा, लेकिन फर्स्ट आपका जो स्टेप है वो आप प्रेपरेशन का ले चुके हैं या नहीं लिया, तो हमारा बैच कमिंग वीक फर्स्ट न्यू ईयर के अंदर स्टार्ट होगा, आप उसमें भी प्रेपरेशन कर सकते हैं, ओपन है वो बैच आपके लिए, ठीक है। सेकंड, प्रेपरेशन अगर शुरू कर ली है तो अब आपका गोल क्या है, यूजीसी नेट क्वालिफाई करेंगे देन अप्लाई फॉर ऑल दीज, ठीक है। अब ये क्यों सोचना कि वहां पर क्या है कैसे है, बीटेक करते हैं बहुत सारे बच्चों का प्लेसमेंट होता है, वो नहीं सोचते वहां पर क्या जॉब मिलेगी, बीटेक में तो कुछ और होता है, लेकिन जॉब का जो सेगमेंट होगा, जॉब डिस्क्रिप्शन होगी वो कुछ डिफरेंट होगी, ठीक है जी। अगेन विद दी ONGC ऑयल एंड द नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, भारत इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अंदर, ऑयल इंडिया लिमिटेड के अंदर। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं अगर गवर्नमेंट जॉब के अंदर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो एक तो आपको गजेटेड ऑफिसर आप वहाँ पे अपने लिए रख सकते हैं कि ये हाईएस्ट पोस्ट मेरी गजेटेड ऑफिसर की होगी, ठीक है। बहुत सारे पर्क्स भी आपको मिलेंगे, जैसे ईए डीए तो होगा, HRA भी होगा उसके अंदर, आपको डिफरेंट कॉलोनीज के अंदर, ठीक है, एक ऑप्शन मिलती है कि आपका एक घर आपको दिया जाता है, ठीक है, आप उसके अंदर रह सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी एन नंबर ऑफ ऑप्शन है आपके लिए इन गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द टीचिंग एंड रिसर्च, जो बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन होता है। कैंडिडेट मे चूज द बेस्ट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, जो एक्सेप्ट करते हैं, वहां पर भी जरूरी नहीं है कि आपने टीचिंग और रिसर्च में जाना है, वहां पर भी आप एज ए MBA ग्रेजुएट, आप एज ए एमटेक कोई भी वर्कशॉप वगैरह, कोई भी एज ए हेड ऑफिसर लग सकते हैं, ठीक है, मे टीच पढ़ा भी सकते हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं उनको ट्रेंड भी कर सकते हैं जो एस्पायरेंट्स हैं, ठीक है। अब प्रमोशन ग्रोथ क्या है, जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर टू सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद आप सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, सीनियर असिस्टेंट से आप फिर बन जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपेंड करेगा कि वहां पर जो कॉलेज में प्रोफेसर हैं वो क्या सिलेक्शन ग्रेड में है असिस्टेंट प्रोफेसर से, देन एसोसिएट, फिर एसोसिएट से अल्टीमेटली आप बनते हैं प्रोफेसर। मोस्टली हमारे यहाँ पे क्या है कि जैसे ही आप यूजीसी क्लियर करते हैं आपके फ्रेंड्स आपके रिलेटिव आपको तो प्रोफेसर पहले ही बोल देते हैं जी ये हमारे प्रोफेसर साहब हैं, लेकिन दिस इज द चार्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द यूजीसी नेट करियर स्कोप, और उसके बाद प्रोफेसर के बाद जो मैंने आपको बात बताई दैट इज द जर्नल हेड एंड दी मैनेजर, गवर्नमेंट ऑप्शन का आपको बताया, वहां पर अपॉइंट हो सकते हैं, वहां पर ये टीचिंग नहीं करना, यहाँ पर एक टीचिंग और रिसर्च का ऑप्शन है। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने टीचिंग और रिसर्च में जाना है तो ये उनके लिए एक चार्ट है, किसी भी आप यूनिवर्सिटी को चूज कर सकते हैं, ठीक है जी। नाउ कम्स टू दिस, टीचिंग एट बेस्ट यूनिवर्सिटी एंड प्रोमिनेंट कॉलेजेस, इंडल्ज योर सेल्फ इन द रिसर्च प्रोजेक्ट विद द शॉर्ट टर्म गोल्स एंड द लॉन्ग टर्म अप्रोच, रिसर्च इन द फील्ड इन विच पीपल मे टेक इंटरेस्ट टू फंड, जैसे शार्क टैंक इंडिया सोनी टीवी के उपर अगर आपने देखा हो तो बहुत सारे विजुअल उन्होंने पहले दिए, ठीक है, आज से शुरू हो रहा है शार्क टैंक इंडिया, ठीक है, तो आप खुद देख सकते हैं वहां पर बहुत सारे लोग आए, अगर आपने विजुअल उसमें देखे हैं किसी का रिसर्च वर्क, जैसे वहां पर उन्होंने एक पेपर बैग बनाया यूरिन के लिए, ठीक है, वो एक रिसर्च होगी, उन्होंने जरूरी थोड़ी है कि यूजीसी नेट बताया ही होगा वहां पे, या कोई एग्जाम है, अगर आप बहुत सारी सर्चेज करेंगे या वहां पर एक पर्सन ने बनाया, चाहे वो मोमोज के लिए बनाया कि ये या फूड के लिए बनाया, तो बहुत सारी रिसर्चेज आप करते हैं तो आपके लिए क्या है वहां पर कितने बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं। शार्क टैंक इंडिया तो वैसे फॉरेन का शो था, लेकिन सोनी ने इसको इंडिया में कराया कि बहुत सारे लोगों के पास क्रिएटिविटी है तो वो क्या कर सकते हैं इन चीजों को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, तो आप खुद देखिए, तो वहां पर जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारे इंडिया के, जितने भी लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया वहां पर उनकी एप्लीकेशंस दी,
तो उन्होंने वहां पे दिया कि आपको इतने करोड़ दे रहे हैं, वहां पे 1% मेरा है, वहां पर इतना परसेंट मेरा है। आप खुद देखिए, आप अपनी प्रेपरेशन करनी है, कल को आपका कोई भी रिसर्च वर्क अगर हमारे देश के लिए काम आ जाए, फॉर आर इंडिया, ठीक है, जैसे DRDO में बहुत सारे रिसर्चर्स होंगे जिन्होंने मेडिसिन बनाया, हमारे इस मिडल हमारी डॉक्टरेट्स ने जो रिसर्च करके वैक्सीन बनाया, तो देश के लिए काम तो आया। आपकी एजुकेशन अगर देश के लिए काम आ जाएगी और आपके लिए डेफिनेटली वो बाद में पेटेंट वर्क हो जाएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, उसमें भी आप जा सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी ऑप्शन चूज करना चाहते हैं, एंड गो फॉर दी प्रैक्टिकल लर्निंग, की आपकी प्रैक्टिकल लर्निंग भी होगी और स्टार्ट जॉब करेंगे आप रिनोन्ड नेम्स ऑफ द रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आप आगे किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, रिनोन्ड के अंदर आप जा सकते हैं, एंड यू कैन स्टार्ट योर ओन लैब फॉर द रिसर्च। लैब वो नहीं कि जो आपने कार्टून नेटवर्क के ऊपर देखा होगा, डेक्सटर्स लेबोरेटरी, ठीक है, वो लैब नहीं मैं बात कर रहा केमिस्ट्री की। तो आपकी बहुत सारी लैब्स होंगी, ठीक है, UGC के लिए डिफरेंट लैब की जरूरत पड़ती है, तो आप उसमें अपना वो वाला लैब भी बना सकते हैं, ठीक है। डेक्सटर लैब तो CSIR वालों के लिए आएगा, ठीक है, जो वो काफी अच्छा शो था वो भी, ठीक है। आप अपना लैब बना सकते हैं, अगर रिसर्च वर्क अच्छा हुआ, काफी अच्छे पैसे मिले, तो आप अपना बड़े स्केल के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम्स टू दी नेक्स्ट, अगले एरियाज के अंदर जब आप बन जाते हैं तो आप एज ए गेस्ट फैकल्टी जाते हैं, ठीक है, नॉन ऑथर बनते हैं, ऑप्शन मिलती है। अब कब तक, अगर आपके पास ड्रीम्स हैं, हम बहुत सारी रेफरेंस बुक्स को पढ़ते आए हैं, तो कभी ऐसा सपना बनाइए कि आप इतनी अच्छे से रिसर्च करें तो आप, आपके नाम पे आप रिसर्च करके आप अपना बुक लिखें। अभी तो UGC के लिए काफ़ी सारी बुक्स आप पढ़ रहे होंगे रिनॉन्ड ऑथर्स की, पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन होती है कि आप ऑथर भी बन सकते हैं। ऐसे ज़रूरी नहीं कि UGC के लिए, लेकिन अगर आपका अच्छा काम होगा तो आप अच्छी बुक को परचेज खुद ही कर रहे हैं, जो पहले जिन्होंने अच्छा काम किया है, तो आप अब करेंगे तो आपके लिए ये ड्रीम बन सकता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। और जो कोविड टाइम में या उससे पहले भी कितना बड़ा मार्केट बन गया है, यूट्यूब है या और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर आज बहुत सारे अच्छे अच्छे एजुकेटर्स बहुत सारे बच्चों को गाइड कर रहे हैं, ठीक है। ऑफलाइन तो मेंटर हैं ही हैं बहुत सारे टीचर्स, लेकिन एक ऑनलाइन जरिया भी बना है, जो लोग नहीं आ सकते, अब बच्चा बैठा होता है उधर क्या कहते हैं नॉर्थ साइड में या पंजाब में या बंगाल के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, वो बच्चा यहाँ से हमसे एजुकेशन ले रहा होता है, दैट इज़ दी ऑनलाइन मेंटरशिप, ठीक है। वो यहाँ नहीं आ सकता, जो लोकलाइट्स हैं वो चंडीगढ़ में आ सकते हैं, 50, 100, 200, 300 किलोमीटर तक, उसके बाद जब एक्सटेंड करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं। जैसे ये आज का जो यूजीनेट करियर स्कोप है, बहुत सारे पूरे भारतवर्ष के अंदर देखा जाएगा, तो कोई भी बच्चा, ठीक है, इन सारी चीज़ों को ले सकता है। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है और आपकी अपनी चॉइस है एग्जाम के लिए, ठीक है जी। करियर ग्रोथ, प्रोजेक्ट फेलो टू सीनियर प्रोजेक्ट फेलो, प्रोजेक्ट असिस्टेंट टू सीनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट, ऑथर टू सीनियर ऑथर, एंड अगेन प्रोजेक्ट मैनेजर टू दी प्रोजेक्ट हेड। अब बात करते हैं उन एग्जाम की, ठीक है। UGC नेट NDA कंडक्ट कराता है फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली, JRF या दोनों के लिए टिल अभी तक, ठीक है, 84 सब्जेक्ट या 91 सिलेक्टेड सिटीज के अंदर ये एग्जाम हुआ है और उसको NDA कंडक्ट करवा रहा है। मैंने जैसे अभी आपको बोला पेपर 1 तो सबके लिए कॉमन होगा, ठीक है। नाउ अवार्ड फॉर JRF असिस्टेंट प्रोफेसर डिपेंड्स ऑन द एग्रीगेट परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन पेपर 1 एंड द पेपर 2। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक साल के अंदर 2 बार ये एग्जाम होता है और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, 2 बार एग्जाम होगा, ये टफेस्ट एग्जाम भी है और साथ साथ में इजी, आप उसको बना सकते हैं विद दी प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रॉपर डायरेक्शन के साथ, मेंटर को चूज करके, ठीक है, इधर ऑफलाइन और ऑफलाइन, ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है। अब इस पेपर के अंदर क्या होगा, पेपर 1 जिसके अंदर MCQ फॉर्मेट होगा 50 क्वेश्चंस का और 100 मार्क्स का होगा, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 2 शिफ्ट के अंदर एग्जाम होता है, 9:30 या इवनिंग शिफ्ट के अंदर, और 3 आवर्स का एग्जाम होगा। जो अभी का एग्जाम हुआ है उसमें भी यही हुआ है, सुबह की शिफ्ट है और इवनिंग की शिफ्ट है, और उसी के साथ जो अभी एक अच्छा पैटर्न UGC ने बनाया है, ऊपर इंग्लिश में आता है आपके पास पैटर्न, ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने हिंदी में दिया हुआ है कि अगर बच्चों को नहीं आता तो चीज़ें को हिंदी में देख सकते हैं। पहले विंडो अलग अलग होती थी, इंग्लिश से हिंदी जाना पड़ता था, लेकिन अब इंग्लिश के साथ साथ नीचे हिंदी का ऑप्शन भी दे दिया गया है। पेपर 2 जिसमें आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करी है वो रहेगा 200 मार्क्स,
के लिए, और 100 क्वेश्चंस होंगे, अगेन ईच कैरी 2 मार्क्स, तो टोटल ये हमारा एग्जाम हो जाता है 300 मार्क्स का, और मोस्टली कट ऑफ जो रहती है 162-170 के आसपास रहती है, और जो ये टेस्ट होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये वाला, ठीक है जी। और पेपर जो होगा वन, उसमें ये टॉपिक्स होते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, रिसर्च एप्टीट्यूड होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक पैराग्राफ होगा जो अभी का ट्रेंड है, ठीक है। ऑल्दो हमारी अभी सीरीज हमने मंडे से शुरू करी है, ट्रेंडिंग और टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, जून के लिए हम बच्चों को प्रिपेयर करवा रहे हैं यूजीसी के लिए, तो उसमें भी मैं बता चुका हूँ, या अभी भी आपको सामने इसी में बता देता हूँ। अभी क्या है, कुछ टॉपिक्स कम्युनिकेशंस के, कुछ पीपल एनवायरनमेंट के, हायर एजुकेशन के, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर पूछे जाते हैं। उससे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर नॉर्मल टॉपिक्स होते थे आसपास से, ठीक है, करंट अफेयर्स के, लेकिन अभी इसी में से चूज कर लिया जाता है। सो आपको डीप स्टडी की जरूरत है, कम्युनिकेशन होगा, फिर इंक्लूडिंग मैथ्स होगा, जो रीजनिंग होगा, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग, सिलॉजिज्म वगैरह है, सिटिंग अरेंजमेंट है, ब्लड रिलेशन है, ऐसे, ठीक है। लॉजिक रीजनिंग के अंदर अब देखो फैलेसीज भी आती हैं, ठीक है, मूड्स भी आते हैं, स्पीच भी आएगा, और उसमें, ठीक है, इंडियन लॉजिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो पिछले 1.5-2 साल में उन्होंने इंक्लूड किया, उसमें से एक क्वेश्चन कंपलसरी है। डीआई होगा, डेटा इंटरप्रिटेशन, 5 क्वेश्चन इसके होंगे, ठीक है। इंफॉर्मेशन कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो इसके अंदर सारी चीज़ें कि कम्युनिकेशन में कैसे इंडिया यूज़ कर रहा है और कैसे आप हेल्पफुल बना सकते हैं। पीपल एनवायरनमेंट में सारी प्रोटोकॉल्स आएंगी, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल, लेट्स से ओजोन ओजोन के लिए क्योटो प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ओजोन के लिए, क्योटो ग्रीन हाउस गैसेज के लिए, लेटर्स, ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस होती हैं। एग्जाम्पल जैसे एसिड रेन है, पोल्यूशन था, स्ट्रेटोस्फियर, ये सारे के छोटे छोटे टॉपिक जो हमने पहले पढ़े हुए हैं, ये सारे के सारे पीपल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। हायर एजुकेशन सिस्टम में आएगा, गवर्नेंस, पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कैसे स्टेट्स हैं, और जैसे वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की क्या पावर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, और हायर एजुकेशन के अंदर हम प्री इंडिपेंडेंस क्या था, पोस्ट इंडिपेंडेंस सिचुएशन क्या थी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आते हैं। मैंने आपको एक ओवरऑल व्यू दे दिया है, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आएंगी, और 10 मार्क्स, तो ये टोटल हमारे पास हो गया 100 मार्क्स का, ठीक है। ई सेक्शन गेट्स इक्वल वेटेज, ये वेरी कर सकता है, ठीक है, जो मैंने आपको पहले भी ऑलरेडी बताया, ये नंबर वेरी कर सकता है, कभी इसमें ज़्यादा आगे, कभी इसमें, कभी इसमें, मोस्टली जो आता है 5-5 तो मिनिमम होते ही हैं, ठीक है, लेकिन कभी किसी में 4 तो दूसरे में 6 जरूर आएंगे। 10 मार्क्स फ्रॉम ईच, 2 मार्क्स फॉर ईच, टू टोटल 100, और देर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन दी एग्जाम, और ड्यूरेशन 1 आवर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि वैसे तो विंडो आपके लिए 3 घंटे की एक सामने खुलेगी, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पेपर 1 पहले शुरू करें या पेपर 2 पहले शुरू करेंगे, ठीक है। ये लिखा हो कि आप 1 घंटे में इसको कंप्लीट करें, तभी आप 2 घंटे में अपना पेपर 2 कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। मोस्टली जो बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ और टीचर हमारे साथ जो टीम है, मोस्टली हम कहते हैं कि 50 मिनट्स के अंदर आप अपना इस पेपर को कंप्लीट करें, और मैक्सिमम आप पेपर 2 के ऊपर डिवोट करें, GNF के ऊपर क्लिक करने के लिए। ना कम्स टू दी पेपर 2, जो आपका सिलेक्टेड सब्जेक्ट होगा, किसी का कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, मैनेजमेंट है, ठीक है, HR के अंदर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, हिंदी हो गया, पंजाबी हो गया, वो आपका जो उसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे 100 की कैटेगरी के अंदर होंगे, और सबके नंबर जो अलॉटेड हैं ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, जो 2 मार्क्स होंगे 200, ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग। और सबसे, जैसे मैंने अभी बोला था, ईजिएस्ट वे क्या है, और बहुत सारे एग्जाम जो होते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी पड़ती हैं, किसी को मैथ्स डर लगता है, किसी से जनरल स्टडीज में डिफिकल्टी आती है, ये वो पेपर 2 है जो आप अप्रोक्सीमेटली पिछले 5 साल के अंदर पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, या किसी ने अभी प्लान किया कि चलो मैं अभी UGC करना चाहता हूँ, सपोज BTech MBA की है, या BCom MCom की है, या उसके साथ बाद में उन्होंने MBA भी साथ में लग से कर लिया, ठीक है। तो अब जो चीज़ें आपने BCom MCom में पढ़ी हैं वही तो कॉमर्स के पेपर के अंदर आएंगी, या BBA के बाद आपने MBA कर लिया, जो आपने वहाँ पर करा है BBA MBA के अंदर, वही चीज़ें आपके लिए आएंगी, ठीक है। BBA में आपने टाइम लगाया 3 ईयर्स का, फिर आपने MBA के अंदर टाइम लगाया, तो जो आपने 5 साल में करा है, जो BCom में किया है, MCom में किया, लेटर से या BA इकोनॉमिक्स, MA इकोनॉमिक्स, ठीक है, BA या MA इकोनॉमिक्स के अंदर किया, या हिस्ट्री के अंदर किया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या आएंगी, इसमें पेपर 2 के अंदर आएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर क्या है, 5 सालों में मैं यहाँ पे बात कर रहा था आपसे कि जो चीज़ आपने काफ़ी समय से पढ़ी है वो आपको याद भी होगी,
उसी चीजों को आपने क्या करना है, फिक्स्ड करना है, और उन्हीं चीजों के अंदर आपने क्या करना है, प्रॉपर प्रेपरेशन करनी है। आईबीएस की टीम बहुत अच्छे तरीके से आपको पेपर वन और पेपर टू के अंदर अच्छे से गाइड करेगी, ठीक है। और पेपर टू क्या होगा, 2 घंटे का हम जो नॉर्मली बच्चों को समझाते हैं कि 50 मिनट के अंदर आप वो पेपर कंप्लीट करें, ठीक है। उसके बाद जो 10 मिनट आप इसके बाद में पेपर टू के अंदर कोई अगर मिस्टेक होगी तो आप उसको क्या कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो नई ऑप्शन आई है, पहले तो रिव्यू की ऑप्शन आती थी, अभी फ्लैग की ऑप्शन दे दिया यूजीसी ने, जो अभी नया ट्रेंड उन्होंने दिया है, दैट इज क्वेश्चन फ्लैगिंग के ऊपर आएगा। तो आपको राइट साइड के ऊपर स्क्रीन होगी, जैसे अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो ऐसे टॉप पे कुछ क्वेश्चन का नंबर होगा, ऑल्दो नेट की जो एनटी की वेबसाइट है उसके ऊपर भी डेमो में उन्होंने बताया हुआ क्वेश्चन की सीरीज होगी, तो वहाँ पे अलग अलग कलर्स के फ्लैग होंगे, तो क्वेश्चन के ऊपर आ जाएगा कि किसको आपने फ्लैग के लिए बाद के लिए रखा हुआ, ठीक है जी। नो वॉट आर द टिप्स, यू विल गेट एन आइडिया ऑफ प्रेपरेशन, ठीक है। डेफिनेटली आपको लग ही गया होगा आइडिया, या उसके बाद दोबारा आप इसको अच्छे से रिव्यू करके देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। स्टडी मटेरियल आपको हमारा ऑफलाइन भी मिल जाएगा, ठीक है। जो अगर बच्चे ऑफलाइन आएंगे, जो ऑनलाइन आएंगे उनको हम बाय पोस्ट हम उनको कुरियर कर देंगे, ठीक है जी। और ऑनलाइन हमने निम्बस ऐप बनाया हुआ है IBS का इन हाउस, उसके ऊपर मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे और मॉडल टेस्ट, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए हमारी डेली मॉर्निंग के अंदर सीरीज होती है, ठीक है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, अल्टरनेटिव मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे हम डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, और साथ में प्रीवियस ईयर के साथ जो चीज़ें हैं दैट इज TT स्टैंड फॉर ट्रेंडिंग टॉपिक्स, जो ट्रेंड के अंदर टॉपिक्स हैं पिछले 3-4 सालों में उन चीज़ों को डिस्कस साथ ही साथ किया जाता है। शॉर्ट स्पैन हो 15 से 20 मिनट का वीडियो होता है, उसके अंदर 3-4 क्वेश्चन डिस्कस हो जाते हैं और साथ ही साथ टॉपिक भी आपके कवर हो जाते हैं अगर आपने पहले प्रेपरेशन किया हुआ है, ठीक है जी। अब जो मैंने अभी आपसे बात करी निम्बस अकेडमी ऐप, आप अभी भी इंस्टॉल कर सकते हैं उसको, ठीक है। लेकिन जो हमारा कोर्स होगा इसमें, ठीक है, वो लॉक्ड होगा, कुछ चीज़ें अनलॉक होंगी। आप उसमें हमारा UGC नेट पेपर वन जिसे समर्थ के नाम से हमने दिया हुआ है, समर्थ के साथ, ठीक है, तो हम रखते हैं, तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर आपका होगा, ठीक है। उसको आप देख सकते हैं उसमें कोर्सेज के अंदर जाके निम्बस अकेडमी के ऊपर, और भी बहुत सारे कोर्सेज जो IBS पढ़ाता है, बैंकिंग है, SSC है, CDS है, FCAT है, उसके साथ टीचिंग डिपार्टमेंट, जैसे मैंने आपको बताया पिछले 12 वर्षों के अंदर मोर देन 5000 सिलेक्शन हम दे चुके हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया, ठीक है जी। नाउ सेक्रीफाइस ऑल प्रोग्राम ऑफ योर प्लान अंटिल यू अचीव द टारगेट अलॉन्ग आवर ऑफ स्टडी विद ड्यू कंसंट्रेशन एंड डीपर थिंकिंग एंड इंटरेस्ट इज हाईली एक्सपेक्टेड। अब देखिए सेक्रीफाइस की बात है, इट्स नॉट ऑल की मोटिवेशन क्लास है ये वाली, ठीक है, वो साथ ही साथ क्लासेज के अंदर हम उसको डिस्कस करते हैं कि बहुत सारे सेक्रीफाइस हमारे पेरेंट्स ने भी किए हैं। एक जस्ट एक मंत्र है, अब ये वो नहीं है कि किसी से देखा हुआ है या अपना ही है शुरू से। जैसे बहुत सारे बच्चे जैसे जो वीडियो देख रहे हैं या अभी बाद में ऑफलाइन इसको देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि पेरेंट्स ने बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए ऑलरेडी दांव पे लगाई थी और अभी भी बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए कर रहे हैं। दांव पे लगाना मीन्स अब देखो कितना, सुबह हमें कभी छोड़ के आना स्कूल में, अगर छोटे से बात करें अभी तक भी वो हमें पूछते हैं खाने के बारे में कि आप अच्छे से पढ़ो, ऑलवेज दे आर थिंकिंग अबाउट अस। अब ड्यूरिंग माई स्टडीज़ मैंने इसको सेपरेट कर लिया, इंग्लिश वाले मैम ने तो ठीक पढ़ाया था मेरे को, इंग्लिश वाले मैडम ने तो मेरे को पेरेंट का स्पेलिंग ठीक पढ़ाया था जब मैंने पढ़ा, जब मेरे को थोड़ा सा रिलाइज हुआ इन दी 11th क्लास सारी चीज़ों को देखने का, ऑल दो बोथ आर दी गवर्नमेंट एम्प्लाइज, लेकिन हमें कभी उस बात की ये स्पून फीडिंग नहीं दी गई कि जो चीज़ें हैं बस वही करनी है। उन्होंने हमें बोला कि आप खुद मेहनत करिए और खुद एक काबिल इंसान बनिए, तो मैंने उसको डिपेंड ब्रेक कर लिया पे के अंदर, PA और रेंट। हमारे पेरेंट्स कभी भी हमसे कुछ भी नहीं मांगते, और लेकिन वो पेरेंट का स्पेलिंग ही खुद कह रहा है, पे रेंट की आप कब पे करेंगे। हमारे पेरेंट्स की सिर्फ एक ही इच्छा होती है कि बच्चा अच्छे से काबिल बने, सेल्फ स्टैंड हो जाए, लेकिन वो हम समझते समझते ही बहुत देर लगा देते हैं 25, 27, 28 तक। तो मैं चाहता हूँ जैसे जैसे कुछ बच्चे अभी ग्रेजुएशन कर रहे होंगे वो भी प्रेपरेशन कर सकते हैं, 1.5-2 घंटे का टाइम ही देना, बिकॉज अभी तो वो पढ़ ही रहे हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन में आगे करेंगे या जो ग्रेजुएशन में करें वही पेपर टू में आना है, प्रेपरेशन तो पहले ही होनी चाहिए, उसी टाइम तो नहीं हम सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते। तो दिस इज लेसन फॉर यू स्टूडेंट्स कि माता पिता कभी नहीं आपको कहेंगे कि जो उन्होंने किया है वो वापस दे दो, और इवन अगर ये समझ कर भी थोड़ा बहुत भी हम लुटा पाए फिर भी हम सारा नहीं लुटा सकते। बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर लिखा 7 जन्म भी लगा जाए फिर हम माता पिता को नहीं रिटर्न कर सकते, लेकिन एक गुड नोट के ऊपर, पॉजिटिव कॉज के ऊपर तो हम कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, फॉर एग्जाम के लिए
तो बहुत सारी खुशी होगी उनको कि हाँ मेरा बेटा इस लाइन में चला गया है, बहुत अच्छे नाम बन गया है। अब देखिए जो ऑनलाइन ट्यूटर्स हैं या ऑफलाइन जो आपके एरियाज में होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने प्राप्त करी हैं अपने समय के अंदर, ठीक है जी। तो बाकी चीज़ों को कंट्रोल करना होगा, मोबाइल है, टीवी है, अदर हैबिट्स हैं। अगर आप डेफिनेटली, कोई भी ऐसा एक भी इंसान ऐसा ही धरती पे नहीं होगा जो अपने माता पिता को प्यार नहीं करता होगा, सारे ही करते हैं, लेकिन आप रियलाइज करिए कि कब तक आपने उनको इन दी फॉर्म रैंड जो भी चीजें आप उसको देना चाहेंगे, ठीक है जी। दिस इज ऑल फॉर यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि 4 महीने की कॉन्टिन्यूसली प्रेपरेशन आपको चाहिए होगी, चाहे आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं या कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर चुके हैं, सिर्फ हमें डेली 2 आवर्स ड्यूरिंग द वीकेंड ऑफ द होल डे विद सम दी नेसेसरी ब्रेक्स और 30 डेज हम नॉन स्टॉप पढ़ेंगे, ठीक है। उसके साथ हम इस एग्जाम को जून के लिए क्लियर करेंगे, ठीक है। जून के अंदर जो एग्जाम होगा 2022 में, उसकी प्रेपरेशन के लिए ये सारी टिप्स हैं। और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के अंदर हम 2022 फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी हम नया बैच शुरू कर रहे हैं यूजीसी के लिए, और 4 मंथ्स का प्रॉपर टाइम के साथ आपको पढ़ाएंगे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन।